अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका भाई शाकिब शेख और थैंक यू सो मच, मुझे आप लोग इतनी सपोर्ट कर रहे हो, इतना प्यार दे रहे हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आती है तो। और ये जो वीडियो है ये हम लोगों की पूरी टीम का लाइफ का बहुत यादगार वीडियो है ये, क्योंकि अजीम नवाज साहब का बहुत ताजुद्दीन सरकार में इतना प्यारा इस्तकबाल किए खादिमों ने, इतनी प्यारी दुआओं से नवाजे। ये वीडियो को ज़रूर देखना भाई, कोई वीडियो देखो मत देखो पर ये वीडियो को ज़रूर आप लोग देखें, ये मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से। और ये हम लोगों की पूरी टीम के लिए हम लोगों का ये यादगार वीडियो है, तो बस मैं यही बोलूँगा कि आप लोग भी हम लोगों को दुआओं में याद रखिए और ये वीडियो को ज़रूर देखें, और आप लोगों के प्यार के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहु। सरकार ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के ये 101वां उर्स और इस वक्त नगरवाल राज में सरकार में खुदा में ताजुद्दीन के साथ में खड़ा हूँ। ये मेरी खुशनसीबी है हज़रत अली बाबा राजू बाबा और हमारे खुदा हज़रत आशु बाबा सैफ बाबा, और इनकी दुआएं मेरे साथ रहे, सरकार ताजुद्दीन का करम मेरे साथ रहे। आमीन। मेरे हाथ में दुआ करें और हम सबके हाथ में दुआ करें। सरकार पंचदली पार्क के सबके तुफेल सरकार में आए हुए हमारे अजीम भाई को सरकार ताजुल औलिया इनको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। सरकार पूरे खुदामों की तरफ से अजीम भाई को आलम सज्जाद प्रधान की तरफ से अजीम भाई को, अजीम भाई की टीम को, अजीम भाई के चाहने वालों को सबको सरकार का उस बहुत बहुत मुबारक हो। और हम लोग आप लोगों से यही दुआ करते हैं कि सरकार की बारगाह से ये दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबको तंदुरुस्ती सेहत अता फरमाए, तमाम परेशानियों से निजात अता फरमाए। हुज़ूर सरकार आपकी बारगाह में जो लोग नहीं आ पाओ पहुँचे, सरकार जल्द से जल्द उन्हें भी यहाँ सरकार की बारगाह में बुलाया जाएगा, सरकार करम फरमाएंगे, यही दुआ करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। साकिब अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वो आज सरकार बाबा ताजुद्दीन औलिया की बारगाह में सरकार के 101 उर्स पाक के मौके पे सरकार ताजुल औलिया की बारगाह में अजीम नाशा साहब हुजूर की बारगाह में तशरीफ़ लाए, और माशाल्लाह से सरकार के साहिब सजादगान तालिब बाबा ताजी साहिब ने उनके दस्तार वगैरह करके उनकी दिलकोशी करके उनको इज्जत अफजाई की। और तालिब बाबा की तरफ से और हम तमाम खुद्दाम हजरात की तरफ से ये वीडियो जो भी लोग देख रहे हैं तो वो सभी लोगों को सरकार का उर्से पाक बहुत बहुत मुबारक हो। हम लोग सब मिलके सरकार की बारगाह से दुआ गो है कि ताजुद्दीन बाबा सिलसिले की सादतें नसीब फरमाएं, मंजतन पाक के सदके में इन लोगों का सबका बेड़ा पार लगाए, और जो भी आशिकैन नहीं आ पा रहा है इरादा रखता है सरकार की बारगाह में उर्से पाक में आने का तो हुजूर उनको भी जल्द से जल्द अपने कदमों में तलब फरमाए और अजीम भाई के दर्जात को बुलंद फरमाए, मौला सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए मंजतन पाक के सदके में, और ऐसी कामयाब रखे, शाद व आबाद रखे, अपने दामन के साय में रखे और इसी तरह अपने कदमों से लगाए रखे ताजुद्दीन बाबा, और ऐसी खिदमत लेते रहे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप तमाम आलम इस्लाम को, सरकार ताजुल औलिया के तमाम सिलसिले से वाबस्तगान आशिकैन और मुरीदैन को हुजूर सरकार ताजुल औलिया का 101वां सालाना उर्स बहुत बहुत मुबारक हो। मौला हुजूर सरकार ताजुल औलिया की राकल इस्लाम की बारगाह में दुआ करते हैं, मौला तमाम को शादो आबाद रखे, तमाम को सिलसिले की सादात नसीब फरमाए, मौला को मौला तमाम के आने वाली तमाम ज़मीनी आसमानी बला अब मुसीबत महफूज फरमाए, मौला तमाम को जालिमिन के जुल्म से हसीन के सर से महफूज फरमाए, मौला साहेब सज्जाद गान की उम्र में दराजी अता फरमाए, मौला इनके दर्जात को बुलंद बाला अता फरमाए, मौला अजीम नाजा साहब के सेहत में तंदुरुस्ती अता फरमाए, मौला इनके भी दर्जात को बुलंद बाला फरमाए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। किसी को ख्वाब में दीदार हूर मार गया तो मैं कदे में किसी को सुरूर मार गया, घमंड किसी को हुरूर मार गया, क्या बात है, हमें तो ताज के रोजे का नूर मार गया। बहुत खूब अजीम भाई, सरकार पनीर पाक के सत के आपको खूब नवाजे, और आप लोगों का हाथ मेरे सर पे रख रखे जिस तरह से करीम नवाज के खादिमों
की दुआएं अजीम के साथ में है। इसी तरह से यहाँ के शादियों की भी दुआ आपके साथ है, यहाँ के सज्जादों की भी दुआ आपके साथ है। امام دی سلطان مدینہ شاہو کے سردار حسین 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 حضور میرے مالک مولا آپ کی بارگاہ میں عظیم بھائی آئے ہیں جتنے بھی ان کے ساتھی دار ہیں جو بھی فاروق بھائی ہیں جتنے بھی ان کے ٹیم کے اور جتنے بھی سرکار میں حاضر ہے سرکار ان کے حاضروں کو قبول فرمائے آمین حضور میرے مالک مولا ان کی تمام پریشانیوں سے نجات آمین
सरकार ये आपकी बारगाह में जो भी तमन्ना लिए हुए खड़े हुए मेरे मालिक मौला इनकी तमन्नाओं को पूरा अता फरमाना, आमीन। हुजूर इन पे करम की निगाह अता फरमाना, आमीन। सरकार पर नेता ने पाक का सदका अता फरमाना, आमीन। आपकी गुलामी का सदका अता फरमाना, हुजूर बीबी फातिमा ज़हरा का सदका अता फरमाना, हुजूर मौला ए कायनात का सदका अता फरमाना, हुजूर और मोहम्मद का सदका अता फरमाना, नन्हे अली असगर नन्हे अली अकबर का सदका अता फरमाना, हुजूर मौला अब्बास अलैहिस्सलाम का सदका अता फरमाना, सरकार आप जिससे राजी होते हैं उनका सदका अता फरमाना, हुजूर करम की निगाह अता फरमाती है, क्या मेरे मालिक मौला जिन्हें कारोबार नहीं उन्हें कारोबार अता फरमाती है, जिन्हें कारोबार है उन्हें और तरक्की अता फरमाती है, हुजूर करम की निगाह अता फरमाती है, सबको तंदुरुस्ती सेहत अता फरमाती है, सरकार सबके घरों में तंदुरुस्ती सेहत अता फरमाती है, हुजूर मेरे मालिक मौला आपके दरबार में हाजिर है, सरकार इनकी तबीयत जांचे से सरकार इनके पैरों में जो भी तकलीफ है सरकार जो भी इनको परेशानी है सरकार इनकी परेशानियों को दूर अता फरमाती है, सरकार इनको तरक्की अता फरमाती है, हुजूर करम में आपका साया दाया इनके स्वरूप कायम दायम अता फरमाती है, हुजूर मेरे मालिक मौला जिन जिन के हाथ उठे हुए मेरे मालिक मौला सब पे करम और रहम अता फरमाती है, सरकार गरीब नवाज के सबके तुफैल सरकार आपकी बारगाह में गुलाम हाजिर है, सरकार आपकी गुलामी का सदका अता फरमाती है, बंजा देने पाक का सदका अता फरमाती है, हुजूर निगाह करम अता फरमाती है, काल अल्लाह तआला फी शाने बिन अल्लाह मलाइकातु यसल्लून अल नबी या अय्युहल लजीना आमनु सल्लु अलैहि वसल्लमु तस्लीमा, اللهم صل على سيدنا شفنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم صلوا والسلام على النبي اكرم السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا اله
दोस्तों, अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाइए नोटिफिकेशन के लिए।